हेलो दोस्तों, मेरा नाम शमसुद्दीन खान। आज हम बात करेंगे झंग विली वर्सेस कार्ला स्पर्जा के फाइट के रिजल्ट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाइए। कार्ला स्पर्जा जो फॉर्मर स्ट्रॉबर्ट चैंपियन थी, उनकी फाइट हुई झंग विली से। राउंड बाय राउंड हम फाइट की बात करेंगे। फर्स्ट राउंड था, झंग विली का जो स्ट्राइकिंग था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। वो एकदम हट कर रही थी, बार बार वो अच्छे पंचेस लगा रही थी, जोर से मार रहे थे। और जो कार्ला स्पर्जा है वो डिफेंसिव खेलने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज्यादा डिफेंसिव होने की कोशिश कर रही थी, बार बार पीछे हो रही थी, बच रही थी। लेकिन फिर वो राउंड ग्राउंड पे गया, जब वो राउंड में वो फाइट जब ग्राउंड पे गई तो उसमें कार्ला स्पर्जा ग्रैम्बलिंग करने लगी। फिर वहां से अपना झंग विली भी ग्रैम्बलिंग करते 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 ऐसा लगा कभी वो उनको सबमिशन कर देंगे, ऐसा लग रहा था कभी झंग विली उनको सबमिशन कर देगी। दोनों एक दूसरे को मतलब बहुत कॉम्पिटेटिव तरीके से बीट कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसको अभी सबमिशन करेगा। लेकिन झंग विली जो है वो काफी स्ट्रांग फाइटर है, बहुत बहुत जबरदस्त है वो। और फिर फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, काफी क्लोज था, लेकिन क्लोज था बट यहाँ पे देखा है तो मेरे हिसाब से वो जीती थे झंग विली फर्स्ट राउंड, क्योंकि उनका स्ट्राइकिंग काफी बेटर था कार्ला स्पर्जा से। इसके लिए जो सेकंड राउंड आया, सेकंड राउंड में दोस्तों कार्ला स्पर्जा फिर वो डिफेंसिव करने की कोशिश कर रही थी, टेकडाउन फिर आया। टेकडाउन में क्या हुआ, पहले कार्ला स्पर्जा उनको टेकडाउन लेके पकड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि वो करेंगे सबमिशन, लेकिन थोड़े टाइम बाद पूरा पासा पलटी हो गया। और यहाँ पे झंग विली जो है उनको टेकडाउन ग्रैम्बलिंग करते हुए पीछे एकदम उनका जो हैंड था उसको लॉक कर दिया। मुझे लगा आर्मबार होएगा, लेकिन फिर उन्होंने पीछे उनके नेक पे पकड़ा और वो फाइनली फिर सबमिशन कर दिया उन्होंने रियर नेक चॉक के जरिए, और वो बन गई वापस से स्ट्रॉबैक चैंपियन। फिर इंटरव्यू भी उसके बाद झंग विली ने बोला कि मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि ये मेरा बेल्ट कब वापस आएगा, उसके लिए मैं बहुत मेहनत की, हर दिन मेरे को बेल्ट मुझे याद आता था, मैं उसके लिए कोशिश कर रही थी वो बेल्ट मैं जीतूँ कैसे, वापस मेरे पास आएगा कब वो बेल्ट। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने तमाम जितने भी उनके फैंस हैं सबका शुक्रिया अदा किया, सबको थैंक यू बोला उन्होंने, जो चाइना से बिलोंग करते थे, तो उनको उन्होंने बोला कि चाइना वाले जितने मेरे सपोर्टर हैं और मेरे जो फैंस हैं सबको थैंक यू। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मेरे जितने भी अदर कंट्री के फैंस हैं और यहाँ मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भी लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और फाइट ख़त्म हुई फाइनली। अब देखते हैं झंग विली की नेक्स्ट फाइट किससे होती है, रोस नमा जूनस से हो सकती है, लेकिन देखते हैं अभी किससे होगी नेक्स्ट, किसी और को मौका मिलेगा हो सकता है। और कार्ला स्पर्जा उनकी फाइट भी किसी से होगी, अभी वो कॉम्पिटिटिव तो है दोनों ही, अब नेक्स्ट फाइट देखेंगे हम कौन जीतेगा, किससे होएगी, इंटरेस्ट बढ़ गया है ये फाइट के बाद। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।